तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं एनालॉग क्लॉक को, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को सारा कुछ सोर्स कोड यहाँ पे मैं आप लोग के सामने करके दिखाने वाला हूँ। और कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे क्लॉक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड समथिंग जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो करंट टाइम है वो हमारा 1:25:26 हो रहा है, जो कि आप लोग को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा मेरे डेस्क पे। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे जो हमारा रियल एक क्लॉक रहेगा, जो कि काफी सही तरीके से हमारा यूआई बेस पे भी हमारा काम होया हुआ है। सो गाइस, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे वो उन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले न्यू एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक क्लॉक का फोल्डर सबसे पहले तो बना देते हैं, ठीक है। और इसको मैं अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ पर्सनली VS कोड, आप लोग कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ विद स्टूडियो कोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर जो है वो आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तीन फाइल बना लेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला होगा index.html। तो ये हमारा index.html आ गया है। अभी हम लोग सेकंड हम लोग यहाँ पे करेंगे style.css। तो सिंपली मैं यहाँ पे style.css ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ऑल राइट। और नेक्स्ट हमारा थर्ड रहेगा जो हमारा स्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली script.js ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे script.js ले चुका हूँ। तो ये तीनों फाइल हमारा रहेगा गाइस, और इसी तीनों के ऊपर मैं यहाँ पे कोडिंग करके बनाने वाला हूँ कुछ हमारा एनालॉग का मतलब क्लॉक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का सुगर कोड पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से क्लॉक लिख देता हूँ। और इसको मैं आप लोग को लाइव में मतलब ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोगों का किस तरीके से यहाँ पे यूआई भी हमारा दिखेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं अगर क्लॉक लिखा हूँ तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल के ऊपर हमारा क्लॉक लिख करके आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली गाइस क्या करेंगे कि सबसे पहले बॉडी के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर आकर के डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर गाइस हम लोग कुछ कंटेनर ले लेंगे सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं डिव के अंदर, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो रहेगा एक और मैं यहाँ पे डिव क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा। क्लास में यहाँ पे सिंपली क्लाउड दे दूंगा, ठीक है। ये हमारा दो चीज अभी हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे तीन जो हमारा मतलब यहाँ पे क्लॉक का मतलब कि जो हमारा हैंड होता है वो मैं यहाँ पे सिंपली बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से डिव ले लूंगा, ठीक है। और इस डिव को मैं सिंपली यहाँ पे स्टाइल डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्टाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कलर यूज करेंगे कुछ है, हम लोग मतलब कहते हैं हमारा थोड़ा यहाँ पे रेडिश टाइप का मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसका कुछ हाइट ले लेते हैं। तो इसका मैं कुछ इस तरीके से हाइट ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं 74px ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे आईडी बना रहा हूँ। आईडी मैं किस लिए बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि हम लोग इसको टारगेट कर सकेंगे अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो आवर का बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्लास भी बना लूंगा जिसे मैं यहाँ पे स्टाइल जो हमारा style.css पेज है उसके अंदर मैं इसको टारगेट कर पाऊंगा। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ए वन हैंड मतलब बन चुका है, और यहाँ पे मैं एलआई पास करता हूँ। एलआई मैं क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को आगे चल के बताने वाला हूँ। तो अभी मैं सिंपली क्या करूंगा गाइस कि इस जो हमारा ये हमारा जो डिव है इस डिव को मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको अभी हम लोग को क्या है कि हमारा थ्री हैंड रहेगा, तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं और ये डिव जो है गाइस इस डिव को मैं सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिव लगाने वाला हूँ, और ये पूरे डिव को मैं कॉपी करके हम लोग यहाँ पे तीन बार पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली सारे का मतलब कलर जो है वो डिफरेंट यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे FF4 रखूंगा जिससे हमारा येलो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा येलो आ गया है। और थर्ड को मैं यहाँ पे मतलब कि सिंपली व्हाइट रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे FF पास करके हमारा कुछ इस तरीके से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आवर का था, तो अभी मैं यहाँ पे मिनट और सेकंड यूज करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं आईडी को भी चेंज कर दूंगा जिसे मैं अपने जावा स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे सही तरीके से काम कर सकूँ। अभी मैं यहाँ पे जो हमारा हाइट रहेगा हर का मतलब आवर का मिनट का और सेकंड का, तो हम लोग थोड़ा उसको हाइट को भी हम लोग डिफरेंट रखने वाले हैं। तो मैं 74 की जगह पे यहाँ पे सिंपली 84 कर दूंगा, और सबसे लास्ट वाले को मैं यहाँ पे 94 कर दूंगा जिससे हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइज का यहाँ पे हैंड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा इतना काम हो चुका है। तो अभी मेरे को सिंपली क्या करना है
कि यहाँ पे मैं कुछ स्पैन का यूज करने वाला हूँ, और स्पैन को मैं यहाँ पे स्टाइल भी दूंगा, जिससे मैं यहाँ पे अभी पूरा एक सर्कल बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से मैं स्टाइल पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आई पास करके यहाँ पे सिंपली इसको कुछ इस तरीके से 1 दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये कुछ इस तरीके से बन चुका है एक स्पैन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा नंबरिंग रहता है 1 to 12, वो मैं यहाँ पे सिंपली बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी सिंपली क्या करूंगा कि हम लोग ये जो हमारा 1 है, इसको मैं बोल्ड रखने चाहता हूँ, तो मैं इसको साथों साथ मतलब यहाँ से ही बोल्ड कर दूंगा। तो इसको मैं सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से बी टैग के अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे हम 1 पास कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा जो मतलब ये रहेगा वो पास हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक LI का यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा 1 है, इसको मैं सिंपली 12 तक का लेकर के जाने वाला हूँ, क्योंकि जो भी हमारा मतलब कि एनालॉग जो भी हमारा रहता है वो 1 से लेकर 12 तक का रहेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे करके दिखाने वाला। तो अभी मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, तो कॉपी के लिए हमारा शॉर्टकट हो जाता है Alt+Shift। ठीक है, उसके बाद आप डाउन एरो की जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इतना कर लिया हूँ। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि सारे में मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ नंबरिंग को। ठीक है, जिससे हमारा 1 से लेके 12 तक का जो भी मतलब काउंटिंग रहेगा, वो हमारा यहाँ पे नंबर मतलब जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे सिंपली शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7, 8 और यहाँ पे 9 हमारा हो चुके हैं, और लास्ट वन में यहाँ पे 10, 11, 12 भी यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो चुका है, और ये 2 स्पैन को मैं यहाँ पे से रिमूव कर दूंगा। तो इतना हमारा गाइस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग के थ्रू एक मतलब कि कंप्लीट UI इसका बनाने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू बनाते रहिए, और यहाँ पे अगर आप लोग साथ में कोडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सही तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को काफ़ी स्मूथली और काफ़ी स्लो स्लो में हर एक कोड को समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को script.js जो हमारा ये वाला फाइल है, इसको मेरे को लिंक करना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिंक कर दिया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को style.css को भी लिंक करना होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिंक टैग लेकर के हम लोग यहाँ पे style.css को भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर तरीके से हमारा लिंक है या नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ कुछ भी, और सेव करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी जो है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल टैग के थ्रू यहाँ पे चेंज हो गया था। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा स्टाइलिंग के लिए रहेगा, और स्टाइलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल टैग ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग जैसे मतलब हमेशा करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले मार्जिन और पैडिंग जो है, जो बाय डिफॉल्ट अपने को मतलब कि HTML में मिल जाता है, उसको मैं यहाँ पे सिंपली 0 करूंगा, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं बॉक्स साइज का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉक्स साइजिंग ले लेंगे, और यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स का हम लोग यूज कर लेंगे। जो भी चेंजेस है गाइस आप लोग को आउटपुट में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग आउटपुट में भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब कि फॉन्ट को चेंज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सिंपल पहले फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे सेंस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मोस्टली, तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। और कलर जो है गाइस वो मैं बैकग्राउंड कलर को मतलब यहाँ पे सारे का मतलब यहाँ पे मैं व्हाइट यूज करने वाला हूँ, तो हैश पास करके मैं यहाँ पे सिंपली 3F को पास करके कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा बॉडी है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर को बंद कर देता हूँ, और बॉडी के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉडी ले लेता हूँ, और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले सबसे पहले तो फ्लेक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, और जस्टिफाई कंटेंट हम सारी चीज़ों को सेंटर में करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। तो इससे हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो सारा कुछ सेंटर में चला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपली सारे चीज को व्हाइट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका जो ये है टेक्स्ट है वो हमारा व्हाइट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि इसका जो मिनिमम हाइट है वो मैं यहाँ पे सिंपली इसको देने वाला हूँ, तो किस तरीके से मैं यहाँ पे 100 VH को पास करता हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर देता हूँ गाइस, जिससे आप लोगों को आउटपुट सही तरीके से दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड कलर हम लोग थोड़ा सा मतलब कि कम्प्लीटली ब्लैक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा हल्का सा ग्रे टाइप का दिखेगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा आ चुका है, और अभी हमारा सारा चीज़ विजिबल वापस से हो चुका है। ठीक है, अभी गाइस मैं यहाँ पे HTML में आता हूँ, और जो भी हम लोग यहाँ पे क्लास बनाए हैं उन सारे क्लास को हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंटेनर क्लास को ले लेते हैं, और कंटेनर क्लास में हम लोग जो है पोजीशन जो है वो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका शेयर सेट करने वाले हैं सबसे पहले। तो पोजीशन में यहाँ पे रिलेटिव रखूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा गाइस वो हमारा ये क्लॉक का वाला क्लास रहेगा,
तो इस क्लास को भी मैं यहाँ पे कॉल करके कुछ इस तरीके से इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे सारा चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो विथ यूज कर लेंगे, और विथ में यहाँ पे 30 100 PX को 300 PX को यूज करेंगे, और हाइट भी हम लोग सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे 300 PX को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस यूज करूंगा गाइस, जिससे हमारा मतलब कि जो क्लॉक है वो पूरा का पूरा एक सर्कल में आ जाए। तो बॉर्डर रेडियस उसके लिए हम लोग 50% यूज करना पड़ता है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग 50% यूज कर लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी हम लोग पास करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं RGBA का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग ओपेसिटी भी यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली RGBA कुछ इस तरीके से पास कर देंगे, और जो भी हमारा है वो हम लोग यहाँ पे 221 डाल देंगे, और दूसरे में हम लोग यहाँ पे 96 ले लेंगे, और तीसरे में भी 96 करके हम लोग यहाँ पे इसका जो अल्फा है वो हम लोग 0.9 रख देंगे। तो ये हमारा हो चुका है गाइस, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सर्कल भी बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक बॉर्डर ले लेते हैं। ये हमारा बॉर्डर रेडियस हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर ले लेते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, बॉर्डर के अंदर मैं यहाँ पे बॉर्डर जो रखने वाला हूँ वो 2 PX का रखेंगे, और थोड़ा व्हाइट टाइप का रखेंगे जिससे हमारा बॉर्डर काफी सही दिखे। ठीक है, और टाइप हमारा जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा। अगर आप लोग कुछ स्टाइलिंग में चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे FFE यूज करूंगा जिससे हमारा हल्का व्हाइट हो। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा व्हाइट भी हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे हम लोग एक शेडो देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स शेडो का यूज करेंगे, और मैं काफी टाइम ये यूज किया हूँ, और आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोग को भी पता होगा कि मैं बॉक्स शेडो का काफी ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स शेडो हम लोग सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और बॉक्स शेडो में हम लोग गाइस यहाँ पे 0 PX ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को पूरा एक कम्प्लीटली एक बैकग्राउंड की तरफ से देना है। तो मैं इस तरीके से 0 PX 0 PX यूज करूंगा, और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे 150 PX यूज कर लेंगे, और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बॉक्स शेडो आ चुका है। अभी मेरा यहाँ पे बाई डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा RGBA कलर वापस से यूज करूंगा कुछ इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पे सिंपली पास करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा हैश आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि कलर हम लोग पास करते हैं, और थोड़ा मतलब कि सही लुक हमारा आए, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपली कलर पास कर देते हैं हल्का रेडिश टाइप का। तो देख सकते हैं कि इस कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी हमारा जो ये बैकग्राउंड कलर है, ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर था इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सेम सेम हो रहा है। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा हम लोग यहाँ पे डार्क कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और ये जो है हमारा ये 0.1 हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा लुक काफी सही आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि जो हमारा ये सर्कल है इसको हमको सेंटर में रखना है गाइस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो गया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे फ्लेक्स कुछ इस तरीके से कर दिया हूँ। और अब हम लोग सेंटर में करने के लिए जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग सेंटर करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे आइटम को भी अलाइन करेंगे सेंटर में। ठीक है, जिससे अभी हमारा सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारा पूरा कुछ सारा कुछ हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लॉक स्पैन, क्लॉक का जो हमारा ये है इसके अंदर जो हमारा ये स्पैन है, ठीक है, ये डिप के अंदर जो हमारा स्पैन है मैं इसको अभी टारगेट करूंगा। तो ये हमारा क्लॉक हो गया, और इसके अंदर जो हमारा स्पैन है उसको मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा, और कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन है इसका वो हम लोग सिंपली पोजीशन को रिलेटिव नहीं हम लोग एब्सोल्यूट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो इसका ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा मतलब 360 डिग्री जो है वो हमारा थोड़ा यहाँ पे मूव होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देते हैं, और रोटेट हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग 360 ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं गाइस, और 30 डिग्री हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे वायर पास करके यहाँ पे हमारा जो हम लोग का आई जो था इसके अंदर उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ अभी हमारा हो चुका है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा बीच में आ चुका है सारा चीज़। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सारे को मतलब अलाइन करेंगे सही तरीके से। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट हम लोग यूज़ करेंगे, और इंसर्ट हम लोग यहाँ पे 12 PX को यूज़ कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि जैसे मैं 12 PX डाला हूँ, तो अभी हमारा थोड़ा उधर चला गया, उसको मैं अभी सही थोड़ा मैनेज कर लूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ पे सेंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है।
और गाइस अभी जो ये हमारा बी के अंदर है, जो हमारा 1 2 3 तो पूरा 12 तक है, अभी मैं उसको टारगेट करने वाला हूँ। तो काफी ज्यादा ये वहाँ पे अभी आप लोग को सही यूआई देखने के लिए मिलने वाला है, और काफी आप लोगों को मतलब कि सीएसएस का भी यहाँ पे मतलब चीज पता चलने वाला है। तो मैं सिंपली अभी ये बी टैग को टारगेट कर रहा हूँ जो स्पैन के अंदर है। मैं आप लोग एक बार वापस से दिखा दूँ कि स्पैन के अंदर जो हमारे ये बी है, सिंपली इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी हम लोग सिंपली क्या गैस करेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, और ट्रांसफॉर्म भी हम लोग यहाँ पे सेम करेंगे। तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारा सेम आ चुका है ट्रांसफॉर्म वाला सीन। अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले ना ब्लॉक करता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले यूज कर लेता हूँ, और डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट का साइज दे देंगे सबसे पहले। तो फॉन्ट साइज हम लोग का यहाँ पे मैं 20px ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्लॉक बिफोर है, ठीक है, क्लॉक बिफोर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हैंड है वो तीनों को भी मतलब कि एक सही मतलब कि यूआई देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस क्लॉक को यूज करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बिफोर का। ठीक है, और इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंटेंट जो है इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक छोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोजीशन जो है, पोजीशन हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट आ चुका है गाइस। अब यहाँ पे मैं विथ वगैरह यूज करने वाला हूँ, तो विथ मैं यहाँ पे 8px ले लूंगा, और यहाँ पे मैं हाइट भी यहाँ पे सेम रखना चाह रहा हूँ, तो मैं सेम यहाँ पे हाइट भी 8px ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस 50% मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वापस से। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस हो चुका है गाइस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारा, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे सिंपली व्हाइट यूज करने वाला हूँ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे व्हाइट पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स का यूज करूंगा, और जेड इंडेक्स हम लोग यहाँ पे सिंपली 2 रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हमारा ऊपर अलाइन हो जाए, तो मैं बॉडी में यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे बॉडी को मैं सेंटर करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अलाइन आइटम यहाँ पे डालना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंटर कर देता हूँ सबसे पहले तो इसको। और यहाँ पे अभी हमारा जो क्लॉक है वो हमारा प्रॉपर क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नंबरिंग जो है हमारा सारा एक जगह पे आया हुआ है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ करना होगा, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जब कॉपी कर रहा था सारे को, तो ये चीज को मैं यहाँ पे चेंज कर चुका हूँ, बट यहाँ पे हमारा सेम एज इट इज ये भी होगा। तो इसके लिए अभी हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे सारे को चेंज करेंगे, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सारे मतलब 1 2 9 को, और फिर कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाकी हमारा 10 जो है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को मतलब कि जिस तरीके से आपका 1 to 12 रहेगा उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आई में भी पास करेंगे। तो देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे पास किया हूँ तो काफी सही तरीके से हमारा सारा कुछ वहाँ पे अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है गाइस कि ये अब मेरा जो ये हैंड वाला है सिंपली मैं इसको टारगेट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे, और जो मैं यहाँ पे हैंड का जो यहाँ पे क्लास बनाया था, जो मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग टारगेट करने वाले हैं मतलब कि जो भी हमारा मतलब कि हैंड रहेगा मतलब सीएसएस के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से हैंड ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि इस हैंड को यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे पोजीशन जो है यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ इस तरीके से एब्सोल्यूट पास कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड अभी हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं एब्सोल्यूट किया हूँ, तो ये जो हमारा डॉट है वो सिंपली सारा कुछ एकदम सेंटर में आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्प्ले कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सारे को सेंटर में करेंगे, और फिर हम लोग फिक्स भी करने अलाइन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अलाइन आइटम को, तो मैं इस तरीके से अलाइन आइटम करके सिंपली फिक्स इंड करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा ऐसा दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ कि सिंपली जो इसके अंदर हमारा आई है, ठीक है, ये चीज जो है, ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे सिंपली टारगेट करूंगा। तो यहाँ पे अभी हमारा जो यहाँ पे एल आई पास होया हुआ था, तो यहाँ पे एल आई नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मतलब कि यहाँ पे HTML सिलेक्ट हो गया था।
तो मैं यहाँ पे आई लेता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी वाले आई को हैंड के अंदर जो हमारा ये आई है, ठीक है, हैंड क्लास के अंदर जो हमारा ये आई है इसको टारगेट करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस हैंड को मतलब इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली आई ले लेता हूँ। और इसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पोजिशन जो है वो हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो बैकग्राउंड कलर ही मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वेरिएबल बना चुके हैं, तो सिंपली मैं उसी को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले तो ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा कुछ इस तरीके वैर जो हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट कर दे लेते हैं और फिर सी एल आर जो है हमारा है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे बनाया था तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे ही कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया है। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली विथ यूज़ कर लेंगे और विथ हम लोग यहाँ पे 4px रखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाइट है जो हमारा हाइट भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाए हुए हैं हाइट का, तो वो भी मैं यहाँ पे सिंपली ले लूँगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइट के ऊपर यहाँ पे वेयर ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हाइट के लिए एच पास किया था, तो यहाँ पे हम लोग एच पास कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये सही तरीके से आ चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि बॉर्डर रेडियस सबसे पहले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस 1px कर लेते हैं। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे वापस से आकर के देख लेता हूँ CSS HTML में। सो गाइस यहाँ पे अभी जो हमारा है वो हमारा HTML एंड CSS दोनों जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन स्क्रिप्ट। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पे script.js के अंदर और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मतलब कि एक वेरिएबल लेट ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं HR ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ID है, अगर मैं आप लोग यहाँ पे आकर के दिखाऊँ यहाँ पे आवर मिनट एंड सेकंड है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली मतलब लेट ले लेता हूँ। लेट HR इक्वल टू हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई ID करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई ID। ऑल राइट, तो ये चीज़ हमारा आ गया। और हमारा आईडी क्या है, तो आईडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो हमारा आवर है मिनट है और सेकंड है वो हमारा यहाँ पे आईडी ऑलरेडी एचटीएमएल में लिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया मिनट और उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया सेकंड, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जो हमारा आईडी है उस आईडी को मैं यहाँ पे आकर के सिंपली सारे को अलग अलग सेकंड का और जो हमारा आवर का और मिनट का जो आईडी है उसको मैं यहाँ पे सिंपली आ करके रख देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसी के अंदर मतलब टाइम डिस्प्ले कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ और फंक्शन को मैं यहाँ पे सिंपली नाम देता हूँ डिस्प्ले टाइम, ठीक है। तो डिस्प्ले टाइम ये हमारा हो गया फंक्शन गाइस। तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपने से डिक्लेयर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को अगर जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा तो पता होगा कि यहाँ पे हम लोग एक डेटा में मतलब एक डेटा हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे मतलब न्यू हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे स्टोर होगा। तो ओके, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा मतलब कि बना हुआ था ये हमारा इन सारे चीजों के अंदर मैं यहाँ पे डेटा को मतलब कि रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डेट नहीं, ये हमारा डेटा हो गया, तो यहाँ पे हमारा डेट ले लेंगे इससे, जिसे हमारा क्या होगा कि जो करंट हमारा डेट रहेगा वो सिंपली रहेगा। यहाँ पे भी मैं डेटा डाल दिया था गाइस, तो यहाँ पे मैं सिंपली डेट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो हमारा है यहाँ पे जो हमारा HH हो जाएगा, ठीक है, आवर का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिनट और सेकंड भी मतलब इसी तरीके से ले लेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अल्ट और शिफ्ट करके सिंपली इस तरीके से डबल डाउन एरो की क्लिक करते हैं और ये हमारा आवर हो गया और मिनट हो गया और हमारा यहाँ पे सेकंड हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ओके यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो हमारा आवर है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मिनट भी ले लेते हैं, गेट मिनट्स हो गया हमारा, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड भी ले लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे रोटेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक और मतलब कि वेरिएबल कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट आर एच जो है हमारा मतलब कि आवर जो है उसको हम लोग यहाँ पे मूव कराएंगे कुछ मतलब कि टाइमिंग दे करके। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं रोटेट रोटेशन। ऑल राइट,
यहाँ पे आर रोटेशन करके हम लोग इक्वल टू करते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट कर देंगे कि 30 इंटू यहाँ पे हमारा जो है वो आवर हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस जो है वो हमारा हो जाएगा मिनट, और डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, ये कुछ हम यहाँ पे कैलकुलेशन पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और दूसरा ले लेता हूँ, और यहाँ पे मिनट का मैं यहाँ पे रोटेशन रखता हूँ। तो और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे मैं 6 इंटू और यहाँ पे मैं मिनट पास कर दूंगा। मिनट कहाँ से आ रहा है वो मैं अब वो आप लोग को पता है कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थर्ड में क्या करता हूँ कि इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ मतलब सेकंड का भी ले लेते हैं। तो एस रोटेट हम लोग यहाँ पे रोटेशन रख लेते हैं, और इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6 इंटू सेकंड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो गया है। और अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को सिंपली टारगेट करना है, मतलब इन तीनों मतलब कि वेरिएबल को। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एच आर डॉट कर देते हैं, जब जो हमारा मतलब कि ये हमारा है। ठीक है, एच आर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एच आर डॉट स्टाइल अब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और ये चीज़ कहाँ से हो रहा है मैं आप लोग को बता दूँ कि आपका यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या है कि उसको रोटेट करवाने करवाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोटेट ले लेते हैं। तो ये हमारा रोटेट हो गया है, और फिर हम लोग यहाँ पे डॉलर साइन पास कर देते हैं, और सिंपली जो भी हमारा यहाँ पे एच रोटेशन जो हमारा यहाँ पे मैं मतलब वेरिएबल बनाया था उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया है। तो अभी हम लोग इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं कि इस तरीके से पास कर देते हैं, और ये जो हमारा रोटेशन है गाइस इसको हम लोग सिंपली कर्ली ब्रेसेस में लेंगे। ठीक है, ये हमारा हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रहता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पास कर चुके हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सेम कर देते हैं कॉपी दो। और फिर यहाँ पे हम लोग एक तो मिनट ले लेंगे सबसे पहले, और दूसरा वाला हम लोग का जो हमारा यहाँ पे एसीसी सेकंड है वो मैं सेकंड को ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग का जो अलग अलग मैं यहाँ पे डिफाइन किया था रोटेशन, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रोटेशन को भी पास कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे मिनट का हो गया, और ये हमारे यहाँ पे सेकंड का हो गया है। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। ठीक है, एट द एंड अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं सेट इंटरवल पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्ले टाइम जो है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे 1000। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे किया हूँ और मैं यहाँ पे एक बार सेव करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे काफ़ी कूल हमारा एनालॉग बन चुका है। और भी हमारा जो जब मैं यहाँ पे डिग्री डाल करके सारे को मतलब अलग किया हूँ, तो यहाँ पे हमारा मतलब जो अलग अलग मतलब यहाँ पे कलर का जो हैंड था, आवर का, मिनट का, जो भी था वो हमारा यहाँ पे काफ़ी कूल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गाइस। अगर मैं इसको आप लोगों को बड़ा करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखने वाला है। और देख गाइस देख सकते हैं कि अभी का जो टाइम है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। रेड वाला काटा जो है, रेड वाला जो हैंड जो है हमारा, वो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनट का था, तो ये हमारा रेड वाला हो गया, रेड वाला सॉरी रेड वाला हमारा आवर का था। तो ये देख सकते हैं कि 2 बज चुका है, और यहाँ पे जो है हमारा दूसरा मिनट का था येलो वाला, तो 2 बज के हमारे यहाँ पे 3 मिनट हो रहा है, और सेकंड वाला अभी हमारा स्टिल मूव कर रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग भी है, जो अभी हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में टाइम भी शो हो रहा है, वो 2 बज के 3 मिनट हो रहा है। इसका मतलब गाइस कि यहाँ पे हमारा जो मतलब कि क्लॉक है वो काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे लाइव हमारा मतलब कि क्लॉक जो है वो मूव भी कर रहा है, और जो भी हमारा सारा कोड वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इतने से कोड में हमारा ये सारा का सारा एनालॉग बन चुका है। ठीक है, सोर्स कोड आप लोगों को चाहिए होगा गाइस तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, ये अगर आप लोग को जावा प्रोजेक्ट जो है ये आप लोग को अगर अच्छा लगा है, और अगर ऐसा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है, तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।